स्वदेश वाणी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं लोक सेवा के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग ने कुछ दिनों पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था। अब परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद उठना शुरू हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा में लगातार क्रमांक संख्या वाले 18 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से लेकर 10वीं तक के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद ही जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार जो है जेपीएससी के मातहत से उनका एग्ज़ाम ले और एग्ज़ाम के बाद सही परिणाम घोषित करे। लेकिन जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरता दिखता जा रहा है। कल कुछ अभ्यर्थी जो हैं जेपीएससी मुख्यालय के समक्ष पहुंचकर धरना दे रहे हैं और धरना के बाद सरकार को यह चेतावनी भी दी है कि 15 दिनों के अंदर जो है प्रारंभिक परीक्षा में के जो परिणाम आए हैं उसको रद्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो झारखंड के जेपीएससी से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि जेपीएससी क्यों विवादों में घिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजगठन के बाद जब झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था तब से यह आयोग जो है विवादों में घिरता नजर आया है। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग को गठन हुए लगभग 21 साल हो गए हैं। इन 21 सालों में अगर बात की जाए तो लगभग जितने भी परीक्षाएं लिए गए हैं उनमें से 16 परीक्षाएं जो हैं वो अब तक सीबीआई जांच के हवाले में हैं। तो ऐसे यूं कहा जा सकता है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग जो है 21 वर्षों के दरमियान जितने भी परीक्षा ली हैं वो सभी विवादों में घिरती नजर आ रही है। एक बार जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हुई थी और हेमंत सोरेन सरकार ने यहां युवाओं से वादा किया था कि यहां के युवाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देंगे, उस रोजगार के मुद्दे को छोड़ दीजिए, अगर जेपीएससी की सीधी बात की जाए तो लंबे अरसे बाद झारखंड में लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा से जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे जो तैयारी कर रहे थे झारखंड लोक सेवा आयोग की, वैसे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम के बाद परिणाम जो है बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अब इस परिणाम पर जहां एक और राजनीतिक सियासत भी देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर निष्पक्ष जांच की मांग जो है सरकार से कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है राज्य की सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन में शामिल है, वो यह आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा यह जो है संयोगवश हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।